हाय गाइस एंड वेलकम टू लव्स किचन। तो आज मैं आपके लिए लौकी कोफ्ते की एक रेसिपी लाया हूँ और ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी डेफिनेटली होने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये बताइए लौकी एक सब्जी है, फल है या फिर दोनों है? आंसर मैं रेसिपी के लास्ट में दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो की एक लौकी ली है, इसको अच्छे से धो लिया था और अब हम इसके छिलके को हटा देंगे और इसका हेड और बॉटम का पोर्शन हम चाकू की मदद से काट देंगे। और मैंने इसे दो हाफ कर दिया था और अब हम इसे मीडियम वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे, जो कद्दूकस की सांचे में जो मीडियम वाला होता है उस साइड से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और इसमें हम करीब 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर और उतनी ही लाल मिर्च पाउडर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण तैयार होने पे हम इसे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें नमक मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मैं ये कोफ्ते एक ट्विस्ट के साथ बनाने वाला हूं, तो पहले हम इसे इडली के सांचे में थोड़ा सा तेल लगा के इस बैटर को भरेंगे। जितना क्वांटिटी इडली के सांचे में आ पाए उतना ही डालें, थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखें कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू डालिएगा। तेल अच्छे से लगाना सांचों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको इनको बाहर निकालने में दिक्कत होगी या फिर चिपक सकते हैं। तो तेल अच्छे से सांचे के अंदर लगा लीजिएगा। एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया था, सांचे को इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से अच्छे से ऐसे ढक देंगे। हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मध्यम आंच पे स्टीम होने देंगे। स्टीम हो चुका था, ये देखिए मैं निकाल ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ थोड़ा बहुत चिपका ज़रूर है बट निकल आए हैं। और ये स्टीम्ड कोफ्ते बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आप चाहे तो इनको डायरेक्ट ऐसे ग्रेवी में डालें बट मुझे थोड़ा सा क्रिस्पीपना इसका पसंद है, इसलिए मैं हल्का सा इनको शैलो फ्राई करूँगा तेल में, हल्का सा, बस ऊपर एक लेयर आएगी, क्रस्ट आएगा, गोल्डन हो जाएगा, बस उतना ही रखूँगा, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगा मैं, बस दोनों साइड थोड़ा कलर आ जाए, दैट्स इट, मुझे उतना ही रखना है। इसीलिए आप देख रहे हो तेल मैंने बहुत कम यूज़ किया है, अभी अगर हम स्टीम ना करते इनको तो हमें इनको डीप फ्राई करना पड़ता, तो दैट्स अ बेनिफिट राइट। तो बचे हुए तेल में मैंने यहाँ बारीक कटे हुए 2 प्याज डाल दिए हैं, इन्हें हमें अच्छे से ब्राउन करना है, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे जब प्याज थोड़ा से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे और मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक मैं अभी डाल दे रहा हूँ, इससे प्याज को भी ब्राउन होने में मदद मिलेगी। आंच को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है मैं बता दूँ। और कुछ मसाले डाल दें इसमें, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 छोटा चम्मच मैंने अभी इसमें डाल दिया है। मसाला जल ना जाए इसलिए आंच बिल्कुल धीमी रखें इस वक्त और अच्छी तरह से फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने टोमेटो का पेस्ट एक बना के रखा था प्योरे जैसा, तो इस टोमेटो के प्योरे को मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसकी जगह टोमेटो के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं या टोमेटो काट के या फिर ग्रेट करके भी टमाटर डाल सकते हैं। और हल्का सा जब
ग्रेवी ऊपर आ जाएगी तो हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया है, मसाला यानी पक चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें धनिया पाउडर करीब एक छोटा चम्मच डाल देंगे और थोड़ी देर बाद इसमें डाल देंगे करीब एक कप पानी। उबाल आने देंगे, कलर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कसूरी मेथी आधा छोटा चम्मच मैंने हाथ में मसल के इसमें डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी, गरम मसाला पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ, और एक बार अच्छे से स्टर करेंगे। ये लौकी कोफ्ते की करी की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और इसमें अब हम ये कोफ्ते डाल देंगे। इसके बाद हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है क्योंकि ग्रेवी ऑलरेडी पक चुकी है। लौकी कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है, राइस के साथ बहुत बढ़िया लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक अलग तरीके से मैंने कोफ्ते बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। आप चाहें तो डीप फ्राई करके भी वैसे बना सकते हैं बट उससे तेल ज़्यादा यूज़ होता है। इस कोशिश से मैं बता दूं जो आंसर मैंने शुरुआत में पूछा था कि लौकी एक फल है, कुछ लोगों को ताज्जुब जरूर होगा बट यही सच है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।